हाँ वो पी के वो तेरे डॉक्टर का फोन आया था, वो तो बीच में गया था ना ट्रीटमेंट के लिए, उसी में डॉक्टर ने फोन कर रहे थे कि देख जा दिखा ला, टीवी देखने में व्यस्त मत रहना, नहीं तो तबीयत तो खराब हो जाएगा। ऐसे में 2-3 दिन का पुराना बासा तेवा का खाना खाता है। रुक जा भाई, थोड़ी सी बच्ची देख लेने दे, मेरे चल रही है देख लेने दे, टीवी तो बदल ले अपनी और अपनी तबीयत का ध्यान रख थोड़ी, मेरे साथ चल दवाई कराना है तेरी, टीवी देख रहा है साला, चल डॉक्टर वहां बैठा है। हाँ भाई अच्छा चलते हैं, थोड़ी वीडियो चल रही है, थोड़ी टीवी तो रख दूँ थोड़ी। अरे बहुत भारी है रे, हाँ भाई, हाँ भाई चलते हैं, मेरे थोड़ा पेट भी गड़बड़ है, चल पटाखे वैसे लेट हो गए, चल। हाँ चल भाई चल। जी ना डॉक्टर के यहाँ? हाँ भाई जी, कैसे टपरिया में रहता है? हाँ रुक जा गेट खटखट आता हूँ। हाँ खटखटा जल्दी से, वैसे तो खटखटाने में टूट ना जाए दरवाजे के। हाँ डॉक्टर साहब इसको देखिए जरा, जी बहुत देर से बहुत दिनों से बीमार है बेचारा। डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, सीने में थोड़ा दर्द है, आप देख लीजिए कि बहुत दिनों से। तो आता हूँ मैं पेशेंट का, बहुत चला से कुछ ठेला ब्रदर्स की बहुत देखते हो, मैं पास चला है इसलिए तो सीने में दर्द है, पेट तो तुम्हारा बहुत खाली खाली कर रहता होगा, आप दिखा दो आपने। हम समझ गए क्या दिक्कत है तुमको, कैंसर की बीमारी है, वो तो ऑपरेशन से ही जाएगी। पीके को कैंसर, ये क्या गुड न्यूज दिया है आपने? डॉक्टर साहब मैं मर नहीं सकता, मैं इतने जल्दी मैं कैसे मरूंगा डॉक्टर साहब, आप बताइए मेरी उम्र ही क्या है, मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरे बीवी बच्चे नहीं है, मैं मर जाऊंगा मेरी जिंदगी झंड हो गई। डॉक्टर साहब कुछ उपाय बताइए, मुझे समझ में नहीं आता ये इतनी बड़ी बीमारी को कैसे गई। उपाय है, उपाय ये है कि महीने कुछ दिन बचे हैं, जी लो अच्छे से, हम इन क्लास ले लेते हैं, कैंसर की दवाई दे देंगे आपको, आप खा लेना और कल तक आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही से सलामत हो जाओगे आप, कैंसर हो जाओगे और हमारे पास आना कल, हम आपको बताएंगे।